नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ भाववाच्य से कर्तरीवाच्य। लिखा हुआ दिख रहा है आपको भाववाच्य से कर्तरीवाच्य, तो देखिएगा भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब परिभाषा जानते होंगे आप, भाववाच्य के अंदर क्या होता है भाई, कर्मवाच्य के जैसा ही वाक्य होता है, उसके अंदर बस कर्ता सॉरी कर्म नहीं होता है और भाव प्रधान होता है। जैसे पेन क्रुध्यते, तेन क्रुध्यते, ये वाक्य है भाववाच्य का, ठीक है ना। अब भाववाच्य की वाक्य की पहचान क्या होती है भाई, भाववाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्म नहीं होगा, तो 301, क्योंकि यहाँ पर कर्म कुछ भी नहीं है, 301 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा निषेध करूंगा मैं, क्या निषेध की कर्तृवाच्य में आज तक आपने पढ़ा था कि 1-to-1, किंतु आज हम कर्तृवाच्य के कुछ अपवाद वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर 101 भी होता है, 101 की नीति भी होती है, अर्थात कर्ता होगा और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। कर्तृवाच्य के कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसके अंदर कर्म नहीं होगा, कर्ता और क्रिया ही होगी। तो जैसे तेन क्रुध्यते आया हुआ है आपके सामने, जीरो है, जीरो का जीरो ही रहने दो, ठीक है। तीन की जगह पर जैसे तीन जीरो एक है, इसकी जगह यदि इसको कर्तृवाच्य बदलना है, कर्तृवाच्य का नियम क्या है, 1-to-1 है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर तीन की जगह पर तो एक कर दो और जीरो की जगह पर दो करना, अर्थात देखिएगा जीरो की जगह पहले से कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें, पहले से कुछ है ही नहीं तो जोड़ना तो कुछ है ही नहीं। वाच्य परिवर्तन का नियम है कि उसके अंदर जोड़ा या घटाया कुछ भी नहीं जाता है, केवल विभक्ति परिवर्तित होती है और वचन भी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहां पर जो तेन क्रुध्यते लिखा हुआ है हमें इसका ही वाच्य परिवर्तित करना है, इसका ही करना है, मतलब ये बीच वाले को तो भूल ही जाओ, जीरो की जगह पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा तेन की जगह पर हम क्या करेंगे भाई, तृतीया की जगह पर प्रथमा विभक्ति करनी है और तृतीया से देख लेना सीधा उसे प्रथमा में लाना, वचन परिवर्तन तो करता नहीं, करना नहीं, आगे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था। तो तेन की जगह पर हो गया शह, शह। अब देखिएगा शह क्रुध्यते, क्रुध्यते का क्रुद्ध धातु के रूप कैसे चलते हैं, क्रुध्यति क्रुध्यत क्रुध्यन्ति क्रुध्यसी क्रुध्यत क्रुध्या क्रुध्यत, इस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सा है, सा के साथ में क्रिया होगी, क्या होगी क्रिया हमेशा भाई कर्तृवाच्य में तो कर्तानुसारिणी होती है ना, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्तानुसारिणी होती है, तो सा के साथ में क्रिया क्या हो जाएगी, क्रुध्यति, सा क्रुध्यति। अब जैसे देखिएगा ताहा हसन्ति, यहां पर मैंने वाक्य कर्तृ व भाववाच्य का नहीं लिख करके कर्तृवाच्य का लिख दिया, ठीक है ना। ताहा हसन्ति यह भी एक वाक्य है, ये वाक्य अब आपके सामने ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि ऐसे वाक्य नहीं आएंगे, तो ऐसा देखना है भाई ऐसे वाक्य के अंदर पहले जैसे एक आ गया फिर वापिस एक की जगह बची, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं तो बीच में आप जीरो लगा दो, ठीक है ना। कर्तृवाच्य के साथ में अब एक नियम हमने क्या ऐड कर लिया है कि भाई 101 भी होगा, सिर्फ 1-to-1 नहीं, कर्तृवाच्य की परिभाषा में 101 भी होगा, अर्थात कर्म नहीं हो तो भी कर्तृवाच्य तो होगा। कर्तृवाच्य का नाम क्या होता है, मतलब कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर, कर्तृवाच्य कर्ता का वाच्य। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आया हुआ है आपके पास में है ताहा हसन्ति, ताहा हसन्ति। अब इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है भाई, वाच्य परिवर्तन करने में हम वही नियम लगाएंगे, 3-1-1 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 3-1-1, तो यहां पर कुछ करता तो है नहीं वैसे, इसका तो नियम ही वो भाववाच्य का तो 3-0-1 होता है, किंतु 3-1-1 लगा देते हैं, पर जीरो नहीं है ऐसी स्थिति में भाई, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य लगभग समान है, अब जीरो यहां पर कुछ है ही नहीं कर्म, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए जीरो के साथ में भाई हम जो भी करेंगे जीरो का जीरो ही रहेगा, इसकी जगह पर कुछ भी नहीं होगा। अब देखिएगा हम करते क्या है भाई, एक को साथ में जो तीन है, तृतीया प्रथमा की जगह पर तृतीया करनी, यह हमें करनी होगी ध्यान दे करके, तो प्रथमा की जगह पर तृतीया करनी है, तो देखिएगा ता की प्रथमा की जगह पर क्या तृतीया होगी मेरे को बताओ। अब जैसे देखिएगा सा ते ताहा ताम ते ताहा तया तभ्यम, ता भी होगी ना, तो यहाँ पर ता की जगह पर क्या हो जाएगी, ता भी हो जाएगी, वह तत्शब्द स्त्रीलिंग का रूप है ये, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्याम ताभी, ठीक है ना।
अब देखिएगा ताहा आसंति की जगह पर क्या करना होगा, ताहा है अर्थात बहुवचन है, इसको किस में बदलना है, तृतीय बहुवचन में बदलना है, तो ताहा की जगह पर क्या हो जाएगा, ताभी। अब देखिएगा ताभी तो हो गया, अब कर्म क्या है, कर्म तो जीरो है, इसका मतलब कर्म है नहीं, तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा हर्ष धातु, मतलब इसका क्या करना है, हर्ष धातु लिख दिया, मूल धातु प्लस कर्मवाच्य में नियम क्या होता है, यते यते और यंते जोड़ा जाता है, किंतु मैंने आपको कर्मवाच्य की परिभाषा के अंदर लिखवाया था कि सॉरी भाववाच्य की परिभाषा के अंदर कि भाई हस के साथ में जो भी धातु होती है मूल धातु उसके साथ में यते ही जोड़ा जाता है, चाहे हमें कर्ता को नहीं देखना है, कर्ता चाहे बहुवचन है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर्ता बहुवचन है ताभी, क्योंकि हमारी क्रिया तो किसके आधार पर होती है भाई, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया किसके आधार पर होती है, कर्म के आधार पर होती है, किंतु कर्म यहाँ पर है नहीं, तो जिस स्थिति में कर्म नहीं हो तो हमें यह नहीं सोचना है कि भाई यह एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, अर्थात वाच्य को भाव वाच्य में बदलते वक्त यह नहीं सोचना है कि भाई हमें एक वचन में बदलना है या द्विवचन में क्रिया को या बहुवचन में, सीधा एक वचन में ही बदलना है, यते ही जोड़ना है आपको, उसके पीछे कुछ भी नहीं, तो तेन हस्यते, मतलब आपको सीधा उसका यदि कर्म नहीं है तो सीधा क्रिया है, उस क्रिया को एक वचन में बदलना है। अब देखिएगा आगे तई, गीयते, तई गीयते, देखिएगा यहां पर प्रसन्न होने का भाव प्रकट हो रहा है, तई गीयते उनके द्वारा गाया जाता, हालांकि यहां पर गीतम या बीच में होता तो कर्मवाची भी हो जाता, तई गीयते, अब देखिएगा तई ही गीयते, अब देखिएगा इसका हमें वाची परिवर्तन करना, 301 यहां पर देखिएगा ये बहुवचन है तथा क्रिया एक वचन की हुई है, क्योंकि जो धातु है ना उस धातु के साथ में यते जोड़ना होता है, तो यहां पर देखिएगा तई गीयते, इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसमें क्या करना है, नियम तो 1-2-1 करना है, तई ही की जगह पर क्या होगा, तई ही की जगह पर क्या होगा, तई ही की जगह पर हो जाएगा भाई सॉरी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप करना है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तई का, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ते। अब गीयते, गीयते की जगह पर क्या होगा, देखिएगा गा धातु है यहां पर, गा धातु के आपको लट लकार के रूप, क्योंकि कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं ना, कर्तृवाच्य में तो क्रिया कर्ता अनुसारिणी होगी, तो ध्यान देना होगा ना हमें, यहाँ पर तो ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, गायती गायत गायंती में से देखना, क्योंकि सातौते किसके साथ में होता है, प्रथम पुरुष के साथ में होता है, तो गायती गायत गायंती में से क्या क्रिया जुड़ेगी, तो यहाँ पर क्रिया जुड़ जाएगी गायंती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वचन भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता है ना, क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता अनुसारिणी होती है, किंतु यहाँ पर भाववाच्य में कर्ता अनुसारिणी नहीं होती है, इसीलिए हमने यह जोड़ा है, किंतु कर्तृवाच्य में तो कर्ता अनुसारिणी होती है ना, तो यहां पर ते गायंती, ठीक है ना, ते गायंती होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया कर्ता अनुसारिणी होती है, किंतु भाववाच्य के अंदर क्रिया कर्ता अनुसारिणी नहीं होती है, यहां पर तो नहीं होती है, किंतु यहां पर होती है, ठीक है ना, जब हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो ध्यान रखना है क्रिया कर्ता अनुसारिणी होती है, किंतु भाववाच्य में बदलते वक्त तो केवल यते जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से आपको वाच्य परिवर्तन करते वक्त करना क्या है, ध्यान यह रखना है, एकदम पहले आप साधारणतया सरलतया आराम से वाक्य को पहचानो, फिर वाक्य को पहचानने के बाद में आपको आराम से फुल समय मिलता है पेपर के अंदर टाइम का, तो आप आराम से उस वाक्य को देख करके उसे प्रथमा से तृतीया में बदलना है, तृतीया से प्रथमा में बदलना है, क्या करना है, क्रिया किस प्रकार से जोड़नी, आराम से जब आप करोगे तब आप आराम से एकदम सही से ही वाच्य परिवर्तन को कर पाओगे, और इससे आगे मैं कल आपको भाववाच्य से कर्तृवाच्य अन्य वाच्य में एक वीडियो और दे दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको और बता दूंगा कि भाई किस प्रकार से आप वाच्य परिवर्तन करोगे, भाववाच्य का हो या चाहे कर्तृवाच्य का, और भी इसके जैसे कई रूप होते हैं वो मैं आपको और बताऊंगा, और आपको भी यदि अभी तक जैसे मैंने आपको लगभग तो सिखा दिया है वाच्य परिवर्तन, तो इस वाच्य परिवर्तन के अंदर यदि आपको कहीं पर दिक्कत आई हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको सही वापस बताने की कोशिश करूंगा, और देखिएगा यहाँ पर जो आजकल भी मैंने आपको बताया था भाई 10 वाक्य लिख करके आप वाक्य निर्माण करोगे, आज भी आप अभ्यास करोगे, वाक्य लिखो कम से कम इसके भाववाच्य के, तो चलो कोई बात नहीं भाववाच्य के लिख लेना 3-4 वाक्य, 3-4 वाक्य कर्मवाच्य के लिखो, 3-4 कर्तृवाच्य के लिखो, और अधिक से अधिक जब आप अभ्यास करोगे तभी आपका वाच्य परिवर्तन सरल होगा। धन्यवाद।